कहते हैं जो अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता वो इतिहास बन जाता है। उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए 2014 के चुनावी नतीजे सबक देने वाले थे, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने इन नतीजों से सबक लिया। ऐसा साल 2018 में तो नहीं कहा जा सकता। इन 5 सालों में बसपा सर्व समाज से फिर दलित वोट बैंक की राजनीति पर लौटी है। 2018 के मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद बसपा सिर्फ एक विधायक को जिता पाई। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के साथ गठबंधन करने के बावजूद बसपा को सिर्फ 2 सीटें हाथ लगी और वोट प्रतिशत भी कम हुआ। मध्य प्रदेश में बसपा 4 से 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। राजस्थान में बसपा को 6 सीटें जरूर मिली, लेकिन वहां कांग्रेस अकेले ही भाजपा को हराने के लिए काफी थी। छत्तीसगढ़ में बसपा के लिए अजीत जोगी के साथ जाना फायदेमंद नहीं रहा, तो मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारों को लेकर कांग्रेस से अलगाव बसपा को भारी पड़ा। जानकार कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में बसपा को मिली सीटें भी भाजपा कांग्रेस के बीच हुई फाइट का बाय प्रोडक्ट है। मेरे विचार से तो देखिए 2018 में खोया ही खोया है, पाया तो बहुत कुछ नहीं है। अब इन विधानसभा में चुनाव में कुछ 2-4 सीटें जरूर मिली है इनको, लेकिन वो ऑफ शूट है, वो बाय प्रोडक्ट है एक तरह से जो बड़ी पार्टीज हैं उनके कंटेस्ट का। मायावती ने अपने आप टिकट तो तय कर लिए होंगे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के साथ कैसा उनका तालमेल बैठेगा अभी इस पर कोई निश्चित मत नहीं है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो मायावती ने 2019 में बीजेपी को हराने के लिए 2018 में समाजवादी पार्टी से दोस्ती करने में गुरेज भी नहीं की, लेकिन 2019 के चुनाव में सपा बसपा के बीच सबसे बड़ा पेच सीटों के बंटवारों को लेकर फंसा है। मायावती उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 35 सीटें बसपा के लिए चाहती हैं। इन 35 सीटों में ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की हैं, जहां सपा भी अपनी मजबूत दावेदारी मानती है। कोई जुमला काम आने वाला नहीं है। जब भी देश में चुनाव होगा, प्रदेश में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को जाना होगा और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में आएगी। वहीं एमपी और छत्तीसगढ़ में बसपा की बैड परफॉर्मेंस और 3 राज्यों में सरकार बना चुकी कांग्रेस अगर इस गठबंधन में शामिल होती है तो कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और जाहिर है कि उसकी दावेदारी भी बढ़ेगी। इन सब के बावजूद बसपा के नेता केंद्र की बीजेपी सरकार की खामियां गिनाते हुए उम्मीद करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी बेहतर करेगी।